हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आरके एग्री सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, इस वीडियो में कवर करने वाला हूं जून जुलाई अगस्त में जो खीरे की कुछ हाइब्रिड इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं उसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाए। बहुत सारे किसान साथी आधा वीडियो देखते हैं फिर बाद में कमेंट करना पड़ता है उनको। वीडियो में वैरायटी को बताने से पहले आप लोगों से बता दूं, अगर आप लोगों की जो भी वैरायटी मैं बता रहा हूं अगर उसमें से कोई भी वैरायटी लेना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप वहां से हमसे जुड़िएगा, फिर वहां से आप हमसे कोई भी सीड आर्डर कर सकते हो। इसमें जितनी भी वैरायटी हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके सभी वैरायटियों के बारे में बताता हूँ। सभी वैरायटियाँ अच्छी हैं, ठीक है। तो पहली वैरायटी किसान साथी ये है यूएस एग्री सीड का 240 नंबर। अगर किसी किसान साथी के यहाँ अगर डार्क ग्रीन में खीरा चलता है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। इसकी सोइंग जो है 15 जून के बाद से स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादातर किसान जुलाई में करते हैं, लेकिन अगर किसी को अगेती करना है तो 15 जून के बाद कर सकता है और जुलाई अगस्त तक इस खीरे की बुआई कर सकता है। ये है यूएस का 240 नंबर। नेक्स्ट किसान साथ पहुजा कंपनी का दास आता है और कहीं कहीं इसको कोई और नाम से देते हैं, बट दास ये भी डार्क ग्रीन और मीडियम साइज में आता है। काफ़ी अच्छा खीरा ये भी है, ये पहुजा का है। इसकी बुआई अभी 15 जून से चल रही है, लेकिन जहां बारिश हो जाती है वहां बेहतर रहता है। अगर किसी किसान साथी के यहाँ बारिश नहीं हुई तो अगेती खीरा ना बोए, उनको रिकमेंड हम यही करेंगे कि जुलाई में बुआई करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं। नेक्स्ट है इंजा जार्डन, ये फॉरेन की कंपनी है साथियों, आप लोगों को बता दें। ये अपने यहाँ नहीं चलती है, बट हमने इसको 2-3 साल से अपने यहाँ काम लिया और इसका ट्रायल करवाया तो अच्छा रिस्पांस दे रही है कंपनी। इस कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे बॉटल गार्ड हो, चाहे आपका करेला हो या इधर ननुआ वगैरह स्पॉन्ज गार्ड हो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। तो हमने इसका खीरा भी लाया, उसका भी रिस्पॉन्स देखा तो अच्छा था, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे ये भी खीरा काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग अगर लगाना चाहें तो इस वैरायटी को भी लगा सकते हो, इसका भी सीड हमारे पास अवेलेबल है। रेट हम नहीं बताना चाहेंगे आप लोगों, क्योंकि रेट क्या होता है कि हर एक रिटेलर के यहाँ आपको अलग अलग रेट 10-20 रुपए कम ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ आप लोग फिर बाद में बोलते हो कि सर ये महंगा दे रहे हैं सस्ते दे, 10-20 रुपए महंगा सस्ता सबके यहाँ मिलता है। सब लगभग 200 के आसपास ही सारे खीरे होते हैं, 200 से 250, ठीक है, 10 ग्राम बीज। नेक्स्ट है देवशंकर, ये पहुजा कंपनी का है, काफ़ी अच्छा खीरा ये भी है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी इस खीरे का भी है, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हो, पहुजा का है। इसकी भी सोइंग जो है 15 जून के बाद स्टार्ट हो जाती है और पूरी जुलाई और 15-20 अगस्त तक सोइंग चलती है साथ में। नेक्स्ट है वीएनआर कंपनी का क्रिस, अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो इस खीरे को भी लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा मार्केट इसका भी बहुत सा, छत्तीसगढ़ वगैरह में काफ़ी लगता है, आपके बिहार में लगता है, यूपी में भी तो लगता ही है, काफ़ी अच्छा खीरा ये भी है। अगर आप लोग भी इन सब खीरे का बीज लेना चाहते हो तो आप लोग वहीं से प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से जुड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप लोग मंगा सकते हो। नेक्स्ट है ईस्ट वेस्ट कंपनी का सायरा, काफ़ी अच्छी वैरायटी ये भी है, बहुत सारे किसान साथी इसको लगाते हैं और लगाते चले आ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट खीरे की वैरायटी हैं। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक से जुड़िए और वहाँ से आप हमसे मंगा सकते हो, नहीं आप अपने मार्केट में खरीद करके बीज आप लगा सकते हो। जो भी मार्केट में बीज मिले उस वैरायटी को लगा सकते हो, सभी वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी हैं। तो बस आज के लिए इतना, किसान अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।